हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अजमन T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर प्राइम हाइट ट्रांसपोर्ट वर्सेस डिफेंडर सीसी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच के, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ओडिशा T20 के वीडियोज़ मिलेंगे, साथ में यहाँ पर TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी शुरू हो गया है, उसके मैचेस के भी वीडियोज़ मिलेंगे और भी बहुत सारी टूर्नामेंट्स के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे भी आने वाली जितनी मैचेस रहेगी सारी मैच की फाइनल मेरी स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच रात को 12:30 पर ईडन गार्डन अजमन में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हो, वैसे तो बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, रन्स बनते हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर 100 के प्लस मैंने मेंशन किया, लेकिन यहाँ पर 120 प्लस 130 प्लस भी स्कोर आराम से जा सकते हैं। हालांकि रेयर केस में कई बार यहाँ पर अंडर 100 भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर 100 के प्लस में आपको आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। बाकी चेजिंग के आंकड़े अभी तक के इक्वल ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं PSD की, तो PSD ने अभी तक 4 मैच खेले जहाँ पर उन्होंने हारने में PhD की हुई है, मतलब 4 में से वो 3 मैच आ लिए, सिर्फ एक ही मैच जीती है। ओपनिंग में रफीक जमन के साथ शाकिब खान ने ओपनिंग करवाया। अभी देखो रफीक जमन का क्या है ना, टीम के कप्तान है, साथ ही में अब टॉप में बैटिंग करवा लेते हैं और साथ ही में कई बार ये उससे ओवर्स वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अंडररेटेड ही रहा है, मतलब ओवररेटेड रहा है कि अंडररेटेड है कोई बात नहीं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा है। यहाँ पर इन्होंने 20 रन की, यहाँ पर 12 की। इनका पिछला टूर्नामेंट भी अगर देखोगे तो बहुत लंबी लाइन दिखेगी, जिसमें से एक 43 रन को अगर छोड़ दे तो बाकी किसी भी मैच में किसी हाईएस्ट स्कोर अभी तक 13 रन का है। तो ज़्यादातर अभी रिसेंटली इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, वैसे ओवरऑल प्लेयर अच्छा है, नो डाउट प्लेयर अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस रिसेंटली इतना अच्छा है नहीं, तो इनको लेके जाना थोड़ा सा खतरा है। बाकी इनका प्लस पॉइंट वही है कि ये ओपनिंग करवा रहे, तो आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। शाकिब खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक, रिसेंटली ये बंदा जबरदस्त फॉर्म में और ओवरऑल भी यहाँ पर 299 मैच का अनुभव है, जहाँ पर करीबन 35 के एवरेज से 9200 से भी ज़्यादा रन है, भरोसा पूरा कर सकते हैं आप शाकिब खान के ऊपर। इनके अलावा वैसे अमजद खान, जो कि पहली दोनों मैच के अंदर 30 प्लस करने के बाद पिछले दोनों मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, लेकिन उस दौरान उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर 2 ओवर्स भी करवाई है। दुर्भाग्यवश वो दोनों ही मैच के अंदर विकेटलेस रहे, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है। अभी के देखो आपके पास चॉइस बनती है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर पब्लिक चॉइस रहने वाली है। अमजद खान की बात करूँ तो मतलब कि ज़्यादातर पब्लिक उनको लेके जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग सेफ जा रहे हो तो इनको लेके जा सकते हैं। बाकी कुछ रिस्क लेना चाहो तो मैं यहाँ पर रिस्क तो आपको बता रहा हूँ, आगे आप लोग आगे बढ़ते रहेगा। शाकिर खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाएंगे। इनके अलावा ऐसे मोहम्मद दाऊद की बात करते हैं, तो दाऊद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लेयर है, विकेट कीपर बल्लेबाज है। हालांकि जितना इनसे एक्सेप्ट किया गया इतना अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने पिछली दोनों टूर्नामेंट से नहीं दिया है। ओवरऑल 25 मैच के करीबन 41 के एवरेज से 800 से ज़्यादा रन है, लेकिन पिछले 3 मैच और यहाँ पर 4 मैच टोटल मिला के 7 मैच के अंदर अभी तक इनका एक भी स्कोर 40 प्लस नहीं गया है, मतलब ओवरऑल प्लेयर अच्छा है, लेकिन जितना एक्सेप्ट किया जा रहा है इतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। फिर भी आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, इनको एज अ प्लेयर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर दिखते हैं तो। इरफानुल्ला वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इस प्लेयर को बिल्कुल मिस नहीं करना है हमें। इनके अलावा इसे अर्शद की बात करते हैं, अर्शद को डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिछले 3 मैच के अंदर ओवर्स करवा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 2 इन्होंने विकेट भी निकाली हुई, तो भरोसा पूरा कर सकते हैं। मोहम्मद नदीम ने पहले मैच के अंदर ओवर्स करवाई थी जहाँ पर एक विकेट मिला था, दूसरे मैच के अंदर विकेट लेस रहे, रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। ऑफ स्पिन गेंदबाज है और रेगुलर यहाँ पर 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी करता हुआ दिख सकता है आपको। असमतुल्ला वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इस प्लेयर को मैंने पहली मैच से ही बोला हुआ है कि इस प्लेयर को आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। रियाज खालिद इंपॉर्टेंस रहेंगे और मेहरबान शाह की बात करो तो इनको रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। देखो अभी तक 4 मैच खेला है, जहाँ से 3 मैच के अंदर उनको विकेट लेस रहे, लेकिन 1 मैच के अंदर यहाँ पर 3 विकेट निकाल लिए थे, तो आगे भी इस तरह से अगर वो 1-2 या फिर 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो आपको एक बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग ऐसे मेहरबान शाह को ट्राई कर सकते हो। बाकी खालिद इंपॉर्टेंस रहेंगे, खालिद को लेके जाना है।
इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक इन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डिफेंडर्स की, जो कि चार मैच खेली है और चारों ही मैच हारी है। मतलब इन्होंने मतलब PSDD तो किया हुआ है लेकिन वहाँ पर PSDD लगती है, यहाँ पर PDEF है। ओपनिंग की बात करते हैं यहाँ पर साउद अफजल के साथ शाकिब महमूद ने ओपनिंग करवाया। मेरे को साउद अफजल का रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, अभी तक तीन मैच करें इन्होंने 600 रन कर दिए जिसमें से एक बार 6 किए, 2 बार 0 किए। ओवरऑल प्लेयर जबरदस्त है, यहाँ पर 81 मैच करें करीबन 35 के एवरेज से 2600 से भी ज़्यादा रन है। चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि कभी भी इनकी तरफ से कोई बड़ी पारी आ सकती है, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। शाकिब महमूद को हम लोग एज अ प्लेयर लेके जाएंगे क्योंकि और कोई चॉइस हमें मिलने वाली नहीं है, तो इस दौरान यहाँ पर हमारे लिए शाकिब महमूद एक अच्छी पिक बनेंगे क्योंकि ये भाई साहब ऊपर टॉप में बैटिंग करवाएंगे, 1 से 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाएंगे। हालांकि परफॉर्मेंस इतना कुछ खास है नहीं लेकिन फिर भी कोई चॉइस भी नहीं हमारे पास, तो इस हिसाब से हम लोग इनको लेके जाएंगे। सनाउल हक बट्टी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, शायद आपको यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और कंसिस्टेंट है और इस टूर्नामेंट के अंदर तो और भी कंसिस्टेंट है। मतलब सेकंड लास्ट मैच के अंदर 64 रन की पारी खेली थी, जबरदस्त फॉर्म में यहाँ पर सनाउल हक भट्टी लेके जाएंगे। अभी देखो यहाँ से उम्मीद मुझे अब्दुल्ला अजहर के ऊपर बहुत ज़्यादा थी लेकिन इन्होंने भी काफ़ी निराश किया हमें, फिर भी लास्ट मैच के अंदर एक ओवर की गेंदबाजी करवाई थी जहाँ पर वो विकेट ले रहे थे। ओवरऑल देखो इनका करीबन 38 के एवरेज से 97 मैच के अंदर 2800 से भी ज़्यादा रन है टी ट्वेंटी के अंदर, साथ में 73 विकेट है, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से यहाँ पर एडवांटेज देने की काबिलियत रखता है। लेकिन रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, आप लोग चाहो तो इनको लेके जा सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन टॉप में बैटिंग करवाता है तो एक बार चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले लेना। रिजवान अमानत अली, तो इस प्लेयर को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन, तगड़ा प्लेयर है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देगा जब भी यहाँ पर इनका मतलब जब मूड में होता है ना भाई साहब गजब का परफॉर्मेंस देगा। मतलब T10 वगैरह में भी यहाँ पर ये 50-60 रन मारने की काबिलियत रखते हैं, साथ में वो डालते हुए 1-2 विकेट भी चटका सकते हैं, तो इनको एज अ प्लेयर के साथ मेरा सजेशन है यहाँ पर आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में भी कर सकते हो, ग्रैंड लीग में भी कर सकते हो, ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड रहेगा। सुलेमान खालिद थोड़े से रिस्की रहेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे रहा, ओवरऑल 68 मैच के अंदर करीबन 43 के एवरेज से 2100 से भी ज़्यादा रन है, 42 विकेट है, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। बाबर गजम्पर का भी परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, सलमान बाबर ने काफ़ी निराश किया हुआ है, हालांकि लास्ट मैच के अंदर वो अच्छा कमबैक किया, मतलब एक ओवर की गेंदबाजी करवाई जहाँ पर इनको एक विकेट मिली, और देखो ये जब भी ओवर्स करवाता है लगभग विकेट निकालता है यहाँ पर, तो ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर यहाँ पर सलमान बाबर के ऊपर कि ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अगर ओवर्स करवाएंगे तो विकेट पक्का निकालेंगे, तो इस हिसाब से आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। डागर ने लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाला लेकिन इसके पहले इनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़े से रिस्की रहेंगे। फरहान अहमद भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा है इनका भी, और महरवी ने भी काफ़ी निराश किया, हालांकि ये भी कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो अगर ये चारों गेंदबाज की बात की जाए तो मेरा भरोसा यहाँ पर ये महरवी के ऊपर जा सकता है, मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। बाकी रिस्क आप लोग ऐसे सलमान बाबर है और मतलब डोगर वगैरह किसी एक के ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। और बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि जल्दी से जल्दी अपडेट वगैरह मेरी स्मॉल लीग की टीम ग्रैंड लीग की टीम जो भी रहे वो वहाँ पर ही मिल जाए। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से सनाउल हक भट्टी को ले रहा हूँ, यहाँ से आप लोग दाऊद को भी ले सकते हैं। देखो दाऊद को मैंने अभी तक के लिए ड्रॉप रखा है, चांस है आपके पास, मैं आपको बताता हूँ आप लोग किसकी जगह पर इनको ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर ऐसे मोहम्मद अफरीदी को लिया, मतलब सागिर अफरीदी को लिया, इनके अलावा ऐसे अमजद खान रहेंगे, रिजवान अमानत अली और शाकिब खान रहेंगे। देखो यहाँ पर रिजवान अमानत अली का सिलेक्शन देख लो आप, सिर्फ और सिर्फ 6% है, शाकिब खान का सिलेक्शन सिर्फ 20% है। इन दोनों में से किसी की जगह पर आप लोग ऐसे दाऊद को ले सकते हैं, 80% सिलेक्शन है इनका अगर सिलेक्शन वाइज जा रहे हो तो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर शाकिब महमूद और सलमान बाबर, अभी देखो यहाँ पर आप लोग शाकिब महमूद की जगह पर दाऊद को ले सकते हो क्योंकि ओवरऑल इनका अभी तक का कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं और आगे भी इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब इनका ऐसा ही है, तो आप लोग चाहो कुछ रिस्क करना चाहो तो यहाँ पर महमूद की जगह पर दाऊद को ले लेना। बाकी हम लोग यहाँ पर अभी के लिए मैं थोड़ा सा सेफ जा रहा हूँ तो इसके लिए इनको ले रहा हूँ। इनके अलावा आप लोग यहाँ से उमर डागर को ट्राई कर सकते हैं, रफीक जमन भी ओपनिंग वगैरह करवा रहे हैं तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर एक आधी मैच के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो आपको एक बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं। साउद अफजल नदीम ने कुछ मैचेस के अंदर विकेट निकाली है
बाकी बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद यासिर महरवी, मैंने आपको वीडियो में ही बताया कि मैं इस प्लेयर के ऊपर रिस्क लेने वाला हूँ। आप लोग ऐसे महरवी की जगह पर या पर मेज़बान या मेज़ान शाह, क्या नाम है इनका, मेहरबान शाह, तो इनको ले सकते हैं। बाकी असमतुल्ला है या से इरफानुल्ला है और रियाज खालिद का हमारी टीम के अंदर रहेंगे। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान है हमारे यहाँ से रिजवान अमानत अली, जिनका मतलब इनका सिलेक्शन ही सिर्फ 6% है, लेकिन मेरे कप्तान है यहाँ पर, तो ये मैं रिस्क ले रहा हूँ। आप लोग सेफ जा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग मोहम्मद शाकिर अफरीदी को कर लेना कैप्टन, जिनका 54% लोगों के कप्तान है मोहम्मद शाकिर अफरीदी। वाइस कैप्टन रहेंगे आपसे मेरे इरफानुल्ला, और आप लोग चाहो तो यहाँ पर मतलब अमजद खान को भी कर सकते हो, शाकिर अफरीदी को भी कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि रिजवान अमानत अली हमारे कप्तान रहेंगे, वाइस कैप्टन रहेंगे इरफानुल्ला, अदर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे, फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।